हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने अपने अजमान म्यूजियम वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारा नेशनल डे का हॉलीडे चल रहा है, जो कि 4 दिन का था। तो अजमान म्यूजियम के बाद हम गए थे अल्जोरा में। अल्जोरा एक वेटलैंड डेवलप की गई है, जहाँ पर जो अपने इंडिया में बोलते नहीं है कि प्रवासी पक्षी उड़कर आते हैं, तो डेजर्ट में उतना ग्रीनरी देखना ये एक बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज है, या बोल सकते कि नई चीज है। तो वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया था, तो चलिए वो वाला वीडियो देख लेते हैं। ये इतनी खूबसूरत जगह है, लोगों को लगता है कि हम डेजर्ट में रहते तो हमें हरियाली देखने को ही नहीं मिलती, पर आप पीछे देखिए कितनी हरियाली है। और वो जो दूर वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, वो सारे फ्लेमिंगोज हैं। ये 10 स्पॉट करके एरिया है, यहाँ पर फूड ट्रक्स हैं और ये ड्राइव इन है, मतलब आप अपनी गाड़ियों के साथ वहाँ का चक्कर लगा सकते हैं। और जो कुजीन आपको पसंद है, वहाँ पे जैपनीज था कुजीन में और बर्गर्स इस टाइप के, मतलब वो फूड ट्रक्स में अवेलेबिलिटी थी, तो वो आप खा सकते थे। और ये कितना देखिए यहाँ पे ग्रीनरी की हुई है ना, तो मतलब ये अपने आप में एक अलग जगह थी। हालांकि फूड ट्रक्स वाला वीडियो मैंने एक और आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो जो कि शारजा का है, तो उसका लिंक मैं आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो एरिया है ये अजमान में है। जैसे अपने इंडिया में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग ये सारी वेबसाइट है ना, वैसे यहाँ पे नून करके एक वेबसाइट है। ये इसी का कलेक्शन पॉइंट था। इन लॉकर्स में वो लोग सामान रख के चले जाते हैं और आप कलेक्शन कर सकते हैं। और ये देखिए फिर से ग्रीनरी है ना, मैं बार बार ग्रीनरी पे इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि किसी डेजर्ट में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताती हूँ। यहाँ डेजर्ट में इतना ज़्यादा ग्रीनरी क्रिएट करना, जहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हों, ये देखना आँखों के लिए एक ट्रीट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। और इसी एरिया में ना ऐसे साइड में विलास भी हैं, क्योंकि वो प्राइवेट एरिया है तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। यहाँ जब आप फॉरेन में रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस एरिया में आप शूटिंग कर सकते हैं और किस एरिया में नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे किसी अरेबिक सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी, तो हमें ज़्यादा शूट करने का मौका नहीं मिला। हम जा रहे हैं इसके अंदर, इसमें आई थिंक रेस्टोरेंट्स हैं सारे। हस्बैंड का प्रोजेक्ट इस तरफ है ना, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। इस एरिया को बोलते हैं अल्जोरा द स्पॉट। ये जो बिल्डिंग है ना, इसका शेप थोड़ा थोड़ा पिरामिड की जैसा ही है, तो इसका जो एंट्रेंस है ना वो भी बिल्कुल पिरामिड टाइप का, पिरामिड का जो एंट्रेंस रहता है उसी टाइप का है बिल्कुल। इस बिल्डिंग के अंदर ही अल्जोरा डेवलपमेंट वालों का मेन हेड ऑफिस भी है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। द ग्रूव रेस्टोरेंट यहाँ पर ही है, और यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी है। तो यहाँ पर आप अभी देखेंगे आगे जब हम जाएंगे, तो आपको गोल्फ रिलेटेड एक्सेसरीज भी यहाँ पे दिख रही हैं। यू कैन बाय दोज ड्रेसेस आल्सो। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी, मतलब इस टाइप का एक्सपीरियंस वाली जगह मैंने फर्स्ट टाइम देखा। कुछ अलग ही थीम पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ था, और मेन पॉइंट यहाँ पे वेगन फूड अवेलेबल था। वेगन फूड स्पेशली किसी रेस्टोरेंट में के मेन्यू में मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं देखा था। मिलता तो ज़रूर होगा, पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस द ग्रूव रेस्टोरेंट का ही है, जिसके मेन्यू में वेगन फूड अवेलेबल था। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था इस रेस्टोरेंट का। आप भी हमारे साथ देखिए और एंजॉय कीजिए।
एक रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पे है, तो अभी हम एक टॉप फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है और इसमें ओपन रूफ रेस्टोरेंट डाइनिंग फैसिलिटी है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब वहाँ से जो आपको नज़ारे दिखते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली भी है रेस्टोरेंट। और मेन ये अरबिक बुफे था, अभी आप देखिएगा ये साइड में पूरा बुफे लगा हुआ है, आप अपने प्लेट ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ बाहर बैठकर आप अपना मील इंजॉय कर सकते हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ। कितना खूबसूरत है ना।